जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, जो खास प्रत्याशी हैं जो इस सीट के हैं, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमोपेश बना हुआ है। पूर्व में भी जो है वह जो प्रत्याशी हैं उज्जैन आलोट के, जो सांसद प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो आए थे, और अभी भी जो है यहाँ पर मंदसौर जावरा के प्रत्याशी भी हमारे साथ हैं। तो क्या मामला हो गया, किस लिए आप लोग आए? हम SLU यहाँ पर जमा की गई तो हमको उसमें कोई जानकारी नहीं, उन्होंने जो सिंबल रोड यूनियन ने जो उपयोग EVM के लिए की गई थी वही जमा है कि नहीं है, इसको हमको चेक करना था। तो अभी इन्होंने बोला कि चुनाव के निर्देश से ही हम वो स्ट्रांग रूम खोल पाएंगे, जब तक नहीं खोल पाएंगे, जब तक हमारे चुनाव हो जाएंगे फिर हमारा हाईकोर्ट का ही मुद्दा बचता है हमारे पास में। तो हम चाहते हैं कि उसको जो SLU है वो सही है कि गलत है, ये या तो ऐसे नहीं कि वो रिजर्व SLU रख दिए और जो जिसे SLU ओरिजिनल है उनको रवाना कर दिए, इस बात को हम चेक करना है। पूर्व में भी अभी कुछ दिन पहले ही जो है आपके साथ अपना साथ में है आलोट जैन के जो प्रत्याशी हैं, आप भी यहाँ पर आए थे, आपने कई सवाल जो है वह खड़े किए थे, खासकर EVM स्ट्रॉन्ग रूम को लेकर के, कि अधिकारी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, इतना सब चीज़ें कैसी हो रही हैं, उस लेकर उसको भी आपने लेकर शिकायत की बात की थी, कुछ बात हुई है? निश्चित रूप शिकायत करने के बाद हमने मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को शिकायत की, भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत की, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक पत्र के माध्यम से पूरी जो हमारी शिकायत थी वो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग को मांग की है। दूसरा, आज हम आदरणीय हमारे मंदसौर नीमच के प्रत्याशी और हम ये बात रखने आए कि SLU हमारे यहाँ रतलाम के हमारे प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया जी, तो हम SLU जो EVM मशीन का मुख्य पार्ट है वो अभी तक जब उसको सील किया या भारत निर्वाचन आयोग के भंडारण जो वेयर हाउस है वहाँ रखने गए, तो ना तो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया, ना उसकी वीडियोग्राफी, ना हमें जानकारी, तो वो चीज़ कहाँ है? बिल्कुल, जो प्रत्याशी हैं उनका कहना है कि आखिरकार SLU रखा कहाँ है उसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन साल देखने वाली बात होगी कि अब आगे अधिकारी इसका क्या जवाब देते हैं। रतलाम से साजिद खान, NDTV।